आइए, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षण पूर्व की क्रिया है, प्री इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य जितना ही हमारा स्पष्ट होता है, जितना ही हम अच्छे तरीके से तय किए रहते हैं, हमारे शिक्षण की सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए एक सफल शिक्षक को, खास करके जो अभी शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे प्रकार से अनुदेशनात्मक उद्देश्य तय करना सीखना चाहिए। और इसको सीखने के लिए आज हम लोग इसके अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य की एक सामान्य समझ विकसित करने की जरूरत है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम लोग इसको देखें कि द ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन मे बी कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अनुदेशन की एक इकाई पूर्ण होने पर जिन उद्देश्यों के प्राप्त कर लिए जाने की अपेक्षा होती है, उसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जा सकता है। अर्थात अनुदेशन प्रारंभ होने के पहले हम उसके उद्देश्य बना लेते हैं और उसके संपूर्ण होने के बाद हम यह अपेक्षा करते हैं कि वो उद्देश्य पूरे कर लिए जाए, तो इसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहेंगे। लेकिन अध्यापन के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो अध्यापन के द्वारा जिन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिए जाने की अपेक्षा होती है, उन उद्देश्यों को हम क्या कहेंगे? तो वैसे तो हमें इन ऐसे उद्देश्यों को कहा जाना चाहिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, अध्यापन के उद्देश्य या शैक्षणिक उद्देश्य। लेकिन एक रूढ़ परंपरा बन गई है हमारे पेडागोजी में, शिक्षण शास्त्र में, कि अध्यापन के लिए जो उद्देश्य होते हैं, अर्थात अध्यापन के पूर्ण कर लिए जाने पर जिन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिए जाने की अपेक्षा होती है, उसे हम अध्यापन के उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स न कह करके उसे भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य ही कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन और टीचिंग, अनुदेशन और अध्यापन या शिक्षण एक ही नहीं है, अवधारणा में अंतर है। लेकिन हम लोग यह मान करके चलते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी अध्यापन के संदर्भ में लागू होता है, और अध्यापन के लिए जिन उद्देश्य जो उद्देश्य होते हैं, उसे भी हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ही कह के चल सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने डिस्कशन में चाहे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहें या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कहें, चाहे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहें या अध्यापन के उद्देश्य कहें, दोनों को ही हम लोग समानार्थी लेकर के चलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, शिक्षण उद्देश्य या शैक्षणिक उद्देश्य, तो उस शिक्षण उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव को हम लोग सामान्य तौर पर क्या समझें? मतलब अगर हम लोग पेडागोजी से नहीं हैं, अगर हम लोग एजुकेशन के स्टूडेंट नहीं हैं, हम लोग एक ले मैन हैं, एक जनरल पर्सन है, तो हम लोग क्या समझेंगे शिक्षण उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का? तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अध्यापक किस इरादे से कक्षा कक्ष में अध्यापन के लिए जाता है, उसे ही अध्यापन या शिक्षण उद्देश्य कहा जा सकता है। अर्थात एक अध्यापक अपने जो इरादा है, जिसके लिए वह कक्षा कक्ष में जाता है, क्लासरूम में जाता है, वही इरादा उसके अध्यापन के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है? तो सामान्य तौर पर एक अध्यापक कक्षा कक्ष में किसी विशेष प्रकरण के अध्यापन के लिए जाता है। वो प्रकरण कुछ भी हो सकता है, वो साइंस का कोई प्रकरण हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, या लिटरेचर का कोई टॉपिक हो सकता है, सोशल साइंस का कोई टॉपिक हो सकता है। तो जो भी वो टॉपिक या जो भी प्रकरण वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो उसका इरादा या उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उस प्रकरण को पढ़ाना। इसलिए मान लें संज्ञा पढ़ाना है, तो संज्ञा का अध्यापन ही अध्यापन का उद्देश्य हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा पर ज्ञान देना, संज्ञा के विषय में ज्ञान देना उसके अध्यापन का उद्देश्य हो सकता है। तो लेमैन व्यू तो यही होगा कि जो पढ़ाना है उसको पढ़ाना, या जो पढ़ाना है उसके बारे में ज्ञान देना अध्यापन का उद्देश्य है। लेकिन क्या ये लेमैन व्यू सही है? नहीं। ऐसे जो उद्देश्य हम सोचते हैं या विचार करते हैं, उसे हम डिफेक्टिव कहेंगे, त्रुटिपूर्ण कहेंगे। ऐसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को त्रुटिपूर्ण कहेंगे। उदाहरण लेते हैं कि छात्रों को संज्ञा का अर्थ बताना। संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं तो छात्रों को संज्ञा का अर्थ बताना। या दूसरा एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, छात्रों को संज्ञा के प्रकार बताना। तो छात्रों को संज्ञा का अर्थ बताएंगे या प्रकार बताएंगे, ये हमारा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन इसमें अध्यापक क्या करना चाहता है, यह तो स्पष्ट होता है, परिलक्षित होता है, लेकिन इसे शिक्षण शास्त्र में त्रुटिपूर्ण माना जाता है। अब देखें कि इसको त्रुटिपूर्ण क्यों माना जाता है। हम लोग अगर देखें तो कोई भी कार्य दुनिया में किया जाता है,
तो उस कार्य की सफलता उसके परिणाम से ही तो हम जानते हैं कि उसका परिणाम सही है तो कार्य सफल है, अगर परिणाम सही नहीं है तो कार्य सफल नहीं है। मान लीजिए कोई खाना बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है या कोई औद्योगिक उसमें बनाता है, खाना बनाता है, खाना बनाने में बहुत मेहनत किया गया, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अंततः खाना अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, तभी हम कहेंगे कि खाना अच्छे तरीके से बनाया गया। लेकिन अगर वह खाना स्वादिष्ट नहीं बना तो चाहे कितना ही प्रयास किया जाए उस प्रक्रिया को हम सही नहीं कहेंगे, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चिकित्सक द्वारा किसी मरीज को, किसी रोगी को दवा दिया जाता है या उसका शल्य क्रिया किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, अगर दवा काम कर गया और जो रोगी है वो स्वस्थ हो गया तो हम क्या कहेंगे, इसकी चिकित्सा सही हुई, या कोई ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन सफल हुआ और वह काम कर गया तो हम कहेंगे कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर दवा काम नहीं किया या ऑपरेशन सही नहीं हुआ तो चाहे हम कितना ही दवा खिला दें, चाहे हम कितना ही ऑपरेशन में प्रयास कर लें, हम क्या कहेंगे कि ऑपरेशन या जो चिकित्सक का कार्य था वो सफल नहीं हुआ। इसी चीज को हम लोग देखें तो अध्यापन के दौरान अध्यापक क्या करना चाहता है वह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका जो मापन है, उसका जो मूल्यांकन है, उसके परिणाम से आंका जाएगा कि अध्यापन का जो कार्य हुआ उसका परिणाम क्या है। और उसका परिणाम क्या होता है अध्यापन का, तो उसका परिणाम होता है छात्रों द्वारा कितना अधिगम किया गया, मतलब छात्र कितना सीखे। इसलिए अध्यापन का मूल्यांकन छात्रों के अधिगम द्वारा ही संभव है। इसलिए उद्देश्य जो है वो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं या कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं, या जो देने की भाषा में बात करनी है या पढ़ाने की भाषा में बात करनी है वह उतनी सही नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिगम के संदर्भ में होना चाहिए कि छात्र क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे, जानेंगे, ये महत्वपूर्ण है, न कि हम क्या बताएंगे और क्या कहेंगे, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए अध्यापन के संदर्भ में नहीं, टीचर सेंट्रिक नहीं, वह स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। छात्र जो के उद्देश्य जो हैं वो छात्रों के अधिगम के संदर्भ में ही होना चाहिए। अब हम लोग देखें कि अगर हम लोग छात्रों के अधिगम के अर्थ में अगर हम लोग लेते हैं तो छात्र संज्ञा का अर्थ समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं उद्देश्य का, छात्र संज्ञा का अर्थ समझेंगे, क्योंकि अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शिक्षक बताएंगे या समझाएंगे या क्या करेंगे वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि छात्र संज्ञा का अर्थ समझेंगे। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छात्र संज्ञा के प्रकार जानेंगे, या इसी को दूसरी भाषा में कहें तो छात्र संज्ञा के प्रकार से अवगत होंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया, यहाँ पर छात्रों के अधिगम से संबंधित उद्देश्य हो गए, शिक्षक से संबंधित नहीं हुई। लेकिन क्या यह सही है, तो इसे भी हम लोग त्रुटिपूर्ण समझते हैं। तो त्रुटिपूर्ण क्यों कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षण शास्त्र के अनुसार छात्र का जानना या समझना या अवगत होना उसकी मानसिक क्रिया है। अब वो जाना या समझा या अवगत हुआ या नहीं हुआ, जाना या नहीं जाना, समझा या नहीं समझा, या कैसे स्पष्ट होगा, तो यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम अगर उद्देश्य बनाते हैं कि छात्र समझेंगे या जानेंगे तो यह इसकी गुणवत्ता जांच करने की कोई उपाय नहीं है कि छात्र समझे या नहीं समझे। इसके लिए हमको उनसे प्रश्न पूछने के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे कि वो समझे या नहीं समझे। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के आशय में ही उद्देश्य होना चाहिए, जो संदर्भ होना चाहिए वो छात्रों के व्यवहार परिवर्तन में, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज में हमारा शिक्षण उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इसलिए शिक्षण शास्त्र के अनुसार छात्र के सीखने, जानने, समझने आदि के संदर्भ में उद्देश्य नहीं होने चाहिए, अपितु सीखने, जानने या समझने के बाद उनके उस व्यवहार के संदर्भ में उद्देश्य होने चाहिए जिससे उनका सीखना या जानना या समझना परिलक्षित हो सके। अर्थात एक उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई छोटा बालक है वो क लिखना सीखता है, हमारा उद्देश्य क लिखना सिखाना, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बालक क लिखना सीखेगा या बालक क लिखना जानेगा, एक प्रकार से हम ये उद्देश्य बनाएंगे। और इसी को एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक क लिख सकेगा। अब पहला जो उद्देश्य है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वो लिखना सीखेगा या जानेगा तो हम ये कैसे जानेंगे, हम ये कैसे तय करेंगे उसने लिखना सीखा या जाना या नहीं जाना। तो अब दूसरा जो उद्देश्य है उसको देखें तो बालक क लिख सकेगा, तो अब इसमें क्या है कि क लिख के दिखाने के सेंस में यहाँ उद्देश्य है। तो
यहां बालक को हम कहेंगे क लिखने के लिए, उसने क लिख दिया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, और क नहीं लिख सका तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो ये जो दूसरा उद्देश्य है बालक क लिख सकेगा, यह ज्यादा सही है, यह उद्देश्य सही है कि बालक क लिख सकेगा, और इसको लिखने के द्वारा हम देख लेंगे कि वो क लिख सका या नहीं सीखा। अब हम लोग अनुदेशनात्मक उद्देश्य की स्पष्ट अवधारणा बनाए। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य की जो अवधारणा है, इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि वह क्या कर सकेगा, व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू, यह जिस कथन से इसका वर्णन होता है उसको अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, एक विस्तृत विवरण होता है जो शिक्षण या अध्यापन या यहाँ इंस्ट्रक्शन हम बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, और यहाँ पर हम एक विशेष बात कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन की अनुदेशन की एक इकाई पूरी होने के बाद छात्र क्या कर सकेगा, क्या करने में समर्थ होगा, इसका विस्तृत विवरण ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम लोग जो विशेष बात है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एक विस्तृत विवरण है। और पहले हम लोगों ने कथन कहा था जहां विवरण होगा, इसमें कह रहे हैं कि विवरण है और विस्तृत विवरण है, और साथ में हम ये कह रहे हैं कि अनुदेशन की एक इकाई पूरी होने के बाद, और अनुदेशन की एक इकाई जो है हम लोग, या इंस्ट्रक्शन की पूरा होने का हम लोग आमतौर पर एक एक क्लास एक एक पीरियड की बात करते हैं, तो एक पीरियड को ही हम लोग एक इकाई मानते हैं। लेकिन बहुत सारी विधियां हैं जिसमें एक पीरियड में क्लास में घुसा और शिक्षक पढ़ा करके निकल गया तो इसको एक यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो वर्क है वो पूरा होगा तभी हम उसको यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस अपनाए जाते हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड में या सोर्स मेथड में, जिसमें शिक्षक क्लास में गया और उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ उसने टीचिंग की, कुछ उसने समझाया, कुछ उसने टास्क दिया, और वो सारा टास्क जो असाइन हुआ जो छात्रों ने समझा उसको क्लासरूम से निकलने के बाद लाइब्रेरी में जा करके या प्रयोगशाला में जा करके या कुछ काम ऐसे हैं जो मार्केट में या समाज में जा करके पूरे होंगे और फिर वो वापस आएंगे और उसका रिपोर्ट देंगे, तब वो इंस्ट्रक्शन पूरा माना जाएगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, या तो क्लासरूम में कंप्लीट हो रहा है तो क्लासरूम में के इंस्ट्रक्शन के बाद, या अगर वो सारी प्रक्रिया करने में 2-3-4 घंटा लगता है या 2-3 दिन भी लगता है तो उस 2-3 दिन के इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन या शिक्षण के बाद वह उद्देश्य पूरे होंगे, उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। यहाँ स्पष्ट है कि एक पीरियड भी हम कह लें जो 35-40-45 मिनट का होता है, या वो 2-3 दिन का भी प्रोजेक्ट हो सकता है और तब वो उस उद्देश्य को पूरा करने के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, व्यवहारिक उद्देश्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसे व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जाता है, बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाता है। इसे प्राप्ति उद्देश्य भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे उद्देश्य हैं जो उसी शिक्षण के दौरान उसको प्राप्त कर लिए जाने होते हैं। अब हम लोग देखें रॉबर्ट मेगर जो इसके आधिकारिक विद्वान हैं, वो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड और पिक्चर्स एंड डायग्राम्स है। मतलब अभी तो हम लोगों ने पहले देखा कि वो एक स्टेटमेंट है या डिटेल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड और पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, मतलब शब्दों का एक संग्रह है, समूह है, तथा या दोनों बातें हो सकती हैं, शब्दों के संग्रह के साथ साथ चित्रों तथा आरेखों से बना हुआ कलेक्शन होता है, या शब्दों का समूह होगा या केवल चित्र और आरेख होंगे। तो जैसे भी है, चाहे शब्दों के समूह के द्वारा हो, संग्रह के द्वारा हो, या शब्दों के साथ साथ चित्रों और आरेखों के साथ साथ हो, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जो ऐसे संग्रह को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे जिसका इंटेंशन इंटेंडेड टू लेट अदर्स नो, जिसका उद्देश्य होता है, जिसका आशय होता है, जिसका अभिप्राय होता है कि अन्य व्यक्ति जाने। और क्या जानना है, तो व्हाट यू इंटेंड फॉर योर स्टूडेंट्स टू अचीव, आप क्या इरादा रखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स प्राप्त कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। तो आपके अध्यापन के बाद, आपके इंस्ट्रक्शन के बाद छात्र जो हैं वो क्या उपलब्ध कर लेंगे, क्या अर्जित कर लेंगे, मतलब कौन सा ज्ञान, कौन से मूल्य,
कौन से कौशल अर्जित कर लेंगे, उसके बारे में आपका जो इरादा है उसको अन्य व्यक्तियों को जानने देने के आशय में शब्दों के द्वारा या चित्रों के द्वारा या आरेखों के द्वारा जब हम व्यक्त करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शब्दों के द्वारा भी हो सकता है और उसमें शब्दों के साथ साथ चित्र और आरेख भी हो सकते हैं, और उसका इंटेंशन होता है कि दूसरे लोग जाने। और दूसरे लोग कौन है, तो यहाँ पर दूसरे शिक्षक हो सकते हैं, कोई ऑब्जर्वर हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो उनको जना देना है, उनको बता देना है, उनको दिखा देना है कि हम किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं जो कि छात्र अर्जित कर लेंगे हमारे पढ़ाने के बाद। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि शिक्षण उद्देश्य के जो की अवधारणा है, कंसेप्ट है, उस वह एक शिक्षण उद्देश्य एक स्टेटमेंट है जिसको कि एक विवरण है, और जिसमें उस विवरण में एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, वह एक वाक्य या सब होते हैं होता है, और उसमें डायग्राम और पिक्चर्स भी हो सकते हैं, और उसका उद्देश्य दूसरे को जनाना है, दूसरे को बताना है कि हम किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं क्लास में जिसको कि छात्र प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो गया है इतनी बातों से कि जो निर्देशात्मक उद्देश्य है वह अध्यापक क्या करेगा या उसका क्या इरादा है, यह उस भाषा में बात नहीं करके कौन सा ज्ञान, कौन सा कौशल, कौन सी विवृत्ति अधिगमकर्ता में उत्पन्न किया जाएगा, जिसे उसमें विकसित किया जाएगा, वही हमारा अध्यापन के उद्देश्य कहे जाएंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जब बात करते हैं तो इसका आशय हम लोग अर्थ करते हैं जो हम शिक्षण के द्वारा प्राप्त करने वाले हैं, और शिक्षण के द्वारा जो प्राप्त जो एक यूनिट ऑफ टीचिंग के द्वारा मान लीजिए 35-40-45 मिनट का है सामान्य टीचिंग जो हम लोग अपनाते हैं, तो उस टीचिंग के दौरान उसके बाद हम क्या प्राप्त कर लेंगे, जो छात्र दिखा देंगे अपने व्यवहार में, ऐसे दिखा सकने वाले व्यवहार में जो उस भाषा में जो हम उद्देश्य कथन करेंगे वही शिक्षण उद्देश्य है। इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में इसकी विशेषताएं और अन्य चीजों को देखेंगे जिससे इस अवधारणा और स्पष्ट होगी, और शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर हम लोग चर्चा करने का लक्ष्य है कि हम लोग सही प्रकार से शिक्षण उद्देश्य लिख सकें।